आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट की डिमांड के अकॉर्डिंग मैं आज का वीडियो चेस्ट को लेकर आया हूँ कि चेस्ट को किस तरह से फुलाना चाहिए और किस तरह से सिर्फ हम फुलाने के तरीके से ही चेस्ट में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। वीडियो में आप सभी स्टूडेंट लास्ट तक कंटिन्यू रहिएगा। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट देख रहे हैं, फीता मैं नॉर्मल जिस तरह से आप लगाया जाता है उस तरह से लगा रहा हूँ मैं। इनका ये 81 है ना, एडजस्ट फुलाना आप फुलाओ। फेल है भाई, 88 ठीक है। आप लोग देख रहे हो 88 के और 87 के बीच में है। रिलैक्स मत, ये आपका यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का फर्क पड़ा है ठीक है। 87 के हाफ में था यहाँ पे, अब 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर का फर्क काफी ज्यादा होता है ठीक है। तो आपको सिर्फ आप जिस तरह से सीने को जैसे आप फुला रहे हो, सीना आप फुलाने लिए बोलते हैं आगे सामने, तो आज ऑफिसर बोलता है आप सीने को सिंपल यू बढ़ लेते हो, आपको ये नहीं बढ़ना है, इसको पूरे बस मूवमेंट करना है, शोल्डर मूवमेंट करना है। अगर हाथ नहीं कर सकता तो आप शोल्डर हाथ लगा रखे आपका, आप आराम से फ्लो में खेचो उसको, ऐसे सांस भर गए ऐसे, ये इस तरह से पूरा सीने को बाहरी तरफ निकालना है उठा के, ऐसे सिंपल आपने यूज उठा लिया, यू उठाओगे तो इतना फ्लावर नहीं आ पाएगा जितना आप इसको बाहरी तरफ निकालोगे। अगर हैंड्स को मूवमेंट नहीं करने देते हैं तो भी आप शोल्डर से मूवमेंट करके कर सकते हो। जैसे आप देखना आप सभी स्टूडेंट्स जैसे बोला फुलाने के लिए कि सीना फुलाओ, आप भी करके ये चीज, तो सीने को पूरा बाहरी तरफ निकालना है आपको, इससे काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। और एक बार आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, इससे भी आपको फायदा होगा। दोबारा ट्राई करते हैं, सिंपल उठाने पे। हाँ अब एकदम फुलाना, हाँ भरना पूरा सांस, मतलब कि ऐसे नहीं क्या ढीला करो, यहाँ ही आएगी ऊपर, उठाते नहीं है क्या कि उठा देते, हाँ उठा, नहीं नहीं सांस भरो उसके अंदर, बॉडी में सांस भरना है और शोल्डर मूवमेंट करना है, फिर फटो सांस भर नहीं पा रहे, पूरा सांस ढीला छोड़ दिया ना, और अभी पूरा सांस अंदर करो, ऐसे निकालो उसको पूरा पानी को निकालो करो, हाँ करो पूरा सांस लिया हमने, हाँ आप फ्लो में अब करो ऐसे, ये 90 से ऊपर है इनका, 91 है। तो मैं जिसमें 1 सेंटीमीटर का फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको, 1 सेंटीमीटर फर्क पड़ेगा, अब सिंपल खेचो, सिंपल खेचो बॉडी को, ये 89 है, जो आप सिंपल खेचते हो उसमें 89 आ रहा है ना, 89 से भी कम है। सिर्फ मैज और मैज 1 सेंटीमीटर का फर्क पड़ेगा सिर्फ फुलाने के तरीके से, और ये 1 सेंटीमीटर का फर्क आप हैवी स्टोन को पास भी कर सकता है और फेल भी कर सकता है, जो डिफरेंस रहता है चेस्ट को फुलाने में वो सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर का फर्क रहता है। तो इसका आप ध्यान रखें, दोबारा देखिए, इस बार इन्होंने क्या रिलैक्स किया ना, तो चेस्ट भी उतना कर लिया, पहले 88 आ रहा था अभी 87 पे पहुंच गए। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जब जब उनको बोलते हैं ना सीना ना पुराना, आपको चेस्ट फुलाना है सिंपल ना पुराने के अंदर भी वो सांस भरे रखते हैं, उस टाइम बॉडी को बिल्कुल लूज रखो, आप ऐसे नहीं ऐसे नॉर्मल रहो, बिल्कुल ऐसे चेस्ट में जितना उसको ढीला रखो उतना, क्योंकि अगर आपका चेस्ट ऑलरेडी साइज ठीक है ना चेस्ट की, तो आप उसको नॉर्मल रखना है, चाहे साइज कम है तो आप थोड़ा उसको टाइट रख सकते हो। अगर साइज आपकी अच्छी है चेस्ट की, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसे अगर आपके 3 से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो चेस्ट को हमेशा नॉर्मल रखना चाहिए, और जब फुलाने के लिए बोले तो उस टाइम फिर पूरा सांस एक साथ भरो। कुछ स्टूडेंट तो कन्फ्यूजन के अंदर ही फेल हो जाते हैं, तो पहले सांस भरे रखते हैं, जब फुलाने के लिए बोलते हैं तो फिर वो 3 सेंटीमीटर फूलता है। अब फुलाओ, इस बार वही इन्होंने 9 नीचे तक 1 सेंटीमीटर तक एक्स्ट्रा फर्क पड़ा है, सिर्फ इसे हाथों मूवमेंट से चेस्ट को बाहर निकाल लेने, इसको कितना भी खेच लो ये 91 रहेगा ठीक है। अब इसमें कुछ गड़बड़ नहीं आ सकता, आप पूरा टाइट कर रखा है मैंने चेस्ट, इन्होंने बाहरी तो निकाल गया तो 91 पहुंच गया, रिलैक्स रहो, अब नॉर्मल फ्लो और उठाओ,
ये देखो ये 88 है, ये 88 पे अभी भी। तो सिंपल सी चीज, दो मेन पॉइंट है उनका ध्यान रखना आप सभी स्टूडेंट्स। पहली चीज तो आपको चेस्ट सीधा नहीं फुलाना है, इस तरह से ये नहीं करना है, चेस्ट को पूरा मूवमेंट करना है। हाथों कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शोल्डर को इस तरह से ये। दूसरी बात, चेस्ट को पहले बिल्कुल नॉर्मल लूज रखना है, सिंपल लूज रखना है इस तरह से। जब वो चेस्ट नापे फुलाने लिए बोले तो फिर समझ बनना है, किसी से कम है चेस्ट साइज में तो आप चेस्ट को यू रख सकते हो, आप वो मना नहीं करेंगे, थोड़ा सांस अंदर रख सकते हो। लेकिन जैसा चेस्ट फ्लावर में कम आ रहा है वो सांस बिल्कुल भी ना भरे। तो ये सिंपल सा छोटा सा अगर वीडियो था, आप सभी स्टूडेंट को पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा है, कुछ अगर आपको बेनिफिट हुआ है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी स्टूडेंट का आपके अपने यूट्यूब चैनल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।